हेलो, मैं शमीमु सेहर हूँ। मैं बिहार से हूँ। 2 साल पहले मेरी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई। सर्जरी से पहले मैं हर पल मर रही थी। मुझे लंग्स प्रॉब्लम थे, हाइपोथायरॉइड थी, मैं चल नहीं सकती थी। मैं हर पल मर रही थी, ज़िंदगी जी नहीं रही थी। और सर्जरी से पहले मेरी वेट थी 120 केजी, और अभी मैं 64 केजी की हूँ। और मेरे पिछले सारे डिजीज़ जो हैं वो ऑलरेडी है नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है। मतलब ना वो पेन है, ना वो कुछ भी नहीं है मेरे। मैं फिट, फिजिकली फिट हूँ। और सर्जरी से पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं ये सर्जरी कराऊँ या ना कराऊँ, बट आज मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने उस डिसीज़न से कि हाँ, मैंने वो डिसीज़न सही लिया। जब पहली बार मैं मैक्स हॉस्पिटल में आई थी, डॉक्टर चौबे के डिपार्टमेंट में, तो 5th फ्लोर पे मैं लिफ्ट से आई थी। बहुत पेन थे, मतलब इतने सारे स्वेलिंग्स थे, पेन थे कि इमेजिन नहीं किया जा सकता था। और आज लिफ्ट से आई थी उस वक्त, और आज मैं 5th फ्लोर पे स्टेयरकेस से नॉर्मली, बल्कि अब मैं लिफ्ट यूज़ नहीं करना चाहती। अब मैं विदाउट एसी रह सकती हूँ, जबकि पहले मुझे विदाउट एसी रहने में, ओबेसिटी में, ऐसा सफोकेशन होता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ उस पेन को। लेकिन आज मैं विदाउट एसी रह रही हूँ, विदाउट लिफ्ट। 5th फ्लोर हो या 10th फ्लोर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज स्टेयर से कभी कभी, अब मुझे लिफ्ट के पास खड़ी होकर वेट करने में भी इरिटेशन होता है कि मैं क्यों खड़ी हूँ, चलो स्टेयर से उतर जाओ। मतलब लिफ्ट का वेट करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओबेसिटी से शिकार लोग होते हैं, उनकी हंगर उनसे कंट्रोल नहीं होती है, और वो जो खाते हैं वो भी डिप्रेस्ड होते हैं कि मैं इतना खा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं वेट गेन कर रहा हूँ। बाद में वो भी, इस सर्जरी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लाइफ डिसिप्लिन हो जाता है, ना एक्सेस खाने की इच्छा है, ना भूख है। और उस हंगर से जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्या आपको भूख लगा हुआ है लेकिन आपके वेट गेन कर रहे हैं, आप खाना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी खाना पड़ता है, और वेट हर दिन जब बढ़ता है तो बिलीव नहीं कर सकते हैं कि कितना पेन होता है। और जितने भी ओबेसिटी पेशेंट हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और डॉक्टर चौबे इज़ द बेस्ट। पूरी टीम से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, डाइटिशियन डिपार्टमेंट, कहीं मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं यहाँ से ना होते हुए, मैं बिहार रहती हूँ, कभी कोलकाता रहती हूँ, 24 आवर जो हेल्पलाइन है वो मुझे सपोर्ट करता है। और आज मैं, मेरी सर्जरी को 2 साल हो गए हैं और मैं खुश हूँ। बस मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी है, और ये मेरी वाइफ भी शमीम सेहर। इनका जो पेनफुल लाइफ था, ये तो अपने पेनफुल लाइफ से परेशान थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 100 गुना मैं परेशान था। और इस सर्जरी कराने से पहले इनसे ज़्यादा मैं डरा हुआ था। जब मैं खुद डॉक्टर चौबे से आके मिला, इनसे पूछा 2-3 बार, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सका था क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। और 2-3 पेशेंट से मिलने के बाद मैं सेटिस्फाई हुआ, जो डॉक्टर चौबे से करा चुके थे। मैं उनके खुद घर पे जा कर के मिला, और उनकी लाइफ जब देखा मैंने, नॉर्मल लाइफ, उनका जो वजन, किसी का वज़न मतलब 140 केजी था, किसी का 135 केजी था, और जब उनको, उनका वज़न मैंने देखा कि
करीब 162 केजी 165 केजी नॉर्मल वेट आ चुका था और वो नॉर्मल लाइफ में वो आ चुके थे। तो वहाँ से मुझे जो एक अंदरूनी खुशी मिली थी कि ये जो डिसीज़न मुझे लेना चाहिए। उसके बाद मैंने जो है डिसीज़न लिया और फिर फाइनली डॉक्टर चौबे से आकर के मिला, उन्होंने डेट दिया, फिर मैंने कराया। उसके बाद जो उन्होंने टारगेट दिया था कि एक महीने के अंदर इनका जो है सर्जरी कराने के बाद विद इन 10 डेज इनका 6-7 केजी जो वजन लॉस होगा और एक महीने के अंदर 15-18 केजी लॉस होगा, वो हो चुका, वो हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये भी टारगेट दिया था कि 8 to 9 मंथ में जो है ये 64-65 केजी के टारगेट अचीव करना था, 64 हो जाएंगे, मैंने कर लिया वो टारगेट, हम लोगों ने अचीव किया, है ना। दूसरी बात, सबसे अच्छा मैं कई डॉक्टर मैं हॉस्पिटल में मतलब डिफरेंट बीमारी को लेकर के मैं गया है, लेकिन मैंने सबसे अच्छा यहाँ डॉक्टर का टीम, डॉक्टर मेरे खास करके डॉक्टर चौबे का जो टीम है, इससे मैं बहुत बहुत सेटिस्फाई हूँ। मैं डॉक्टर चौबे से रिलेटेड हो या और भी कोई डॉक्टर, इस खास करके इस हॉस्पिटल से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। रही बात कि अब इससे रिलेटेड जो मतलब पेशेंट अब मतलब पेनफुल है, पेनफुल लाइफ जिंदगी जी रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पहला मतलब जो है पहली फुर्सत में आप आके कम से कम एक बार डॉक्टर चौबे की टीम से मिलें। हाँ, जो भी होगा इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, इनका टीम बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई रिलीजन, हाँ, मेरे लिए जो है खुदा एक ही है, लेकिन उन्होंने उस खुदा ने जो है इनके ज़रिए मुझे जो है ना दूसरी ज़िंदगी दी है, डॉक्टर चौबे के ज़रिए।